गुड इवनिंग बच्चों बच्चों, आज हम लोग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चार्ज ऑन द कोलॉइड। है ना, कोलॉइड में चार्ज कैसे आता है। बट उससे पहले बच्चों, जी मेंस के क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, जी मेंस 2020 के क्वेश्चन बता रहा हूँ। और उसमें एक आया था सॉलिड सोल का एग्जाम्पल क्या बच्चों। सॉलिड सोल का मतलब जानते हो, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। व्हेन सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड then it is known as solid soul. Solid soul क्या होता है? When solid is dispersed in solid, है ना? इसका example जानते हो, gemstone, ruby glass, ये तो IIT ने ये वाला question का option पूछा था, gemstone इसका answer है। तो GMAT 2020 में question आया कि solid soul का example क्या है। तो solid soul का example है gemstone, ruby glass, है ना बच्चों। दूसरा एक और question आया GMAT में बच्चों, जी मेंस में एक और क्वेश्चन आया कि कौन सा मेथड कोलॉइडल सोल की प्रिपरेशन में यूज होता है। अच्छा, कोलॉइडल सोल की प्रिपरेशन में कौन सा मेथड यूज होता है जरा बताओ। कोलॉइडल सोल में अगर आप डिसइंटीग्रेशन मेथड पढ़ते हो तो उसमें यूज होता है ब्रेडिक्स आर्क। बच्चों ये आपको याद होगा, ब्रेडिक्स आर्क मेथड किसकी प्रिपरेशन के लिए लगाया जाता है? गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर की प्रिपरेशन के लिए लगाया जाता है। इनके कोलॉइडल सोल बनाने के लिए यूज होता है ब्रेडिक्स आर्क। बच्चों एक और मेथड है आपको अच्छी तरह मालूम है, पेप्टाइजेशन। ये भी प्रिपरेशन में आता है, कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल फॉर्म। तो कौन कौन से मेथड यूज होते हैं? तो डिसइंटीग्रेशन मेथड में आता है ब्रेडिक्स आर्क, गोल्ड, प्लेटिनम। इसके लिए आपका आंसर था फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सोल बनाने के काम आता है। किसका कोलॉइडल सोल बनाने के काम आता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का, पेप्टाइजेशन, है ना। बोलो बच्चों याद होगा। अच्छा, ये इसका आंसर था ब्रेडिक्स आर्क, ऑप्शन में था ब्रेडिक्स आर्क इसका मेथड। आपने इसके केमिकल मेथड भी पढ़े होंगे बच्चों आपने इसके केमिकल मेथड भी पढ़े होंगे। और केमिकल मेथड के अंदर हमने पढ़ा था डबल डिकम्पोजिशन। केमिकल मेथड में हमने पढ़ा था डबल डिकम्पोजिशन, जो कि यूज होता था आर्सेनिक सल्फाइड के लिए। आर्सेनिक सल्फाइड के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है, ये कैसा चार्ज कोलॉइड है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है। डबल डिकम्पोजिशन एक और मेथड आता था बच्चों, एक और मेथड आता था। अगला मेथड तो ऑक्सीडेशन, किसके लिए यूज होता है बच्चों? सल्फर के सोल के लिए यूज होता है। तीसरा मेथड था रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड गोल्ड के लिए यूज होता था, गोल्ड का कोलॉइडल सोल बनाने के लिए। गोल्ड के कोलॉइडल सोल को क्या कहते हैं? पर्पल ऑफ कैशियस कहते हैं, पर्पल ऑफ कैशियस बोलते हैं बच्चों। एक और मेथड यूज होता था हाइड्रोलिसिस, है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बनाने के काम आता था। नोट डाउन बोलो बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो कौन कौन से केमिकल मेथड है प्रिपरेशन बच्चों? ये केमिकल मेथड है प्रिपरेशन, बोलो, ये केमिकल मेथड है प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन में केमिकल मेथड है, बोलो, ये केमिकल मेथड है प्रिपरेशन। और ये वाले आपके, ये भी प्रिपरेशन के मेथड है, ये भी प्रिपरेशन के मेथड है। इजी क्वेश्चन थे बच्चों, दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी थे, ठीक है बच्चों, नोट कर लो, बहुत अच्छे से नोट कर लो। बच्चों एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आया था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा आया था। और बच्चों को क्वेश्चन आया था कि log x अपॉन m वर्सेस log p का जो कर्व है उसका स्लोप 2 दे रखा है, log k की वैल्यू 0.4778 दे रखी है, कैलकुलेट करना है x अपॉन m एट प्रेशर 4। कितने प्रेशर पे x अपॉन m कैलकुलेट करना है? 4 प्रेशर पे, 4 atm प्रेशर पे कैलकुलेट करना है x अपॉन m। बहुत आसान क्वेश्चन है, यू ऑल नो दैट कि log x अपॉन m, log x अपॉन m
वर्सेस लॉग पी का जो कर्व आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, यू ऑल नो दैट। दिस इज अ इंटरसेप्ट, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की बात कर रहा हूं, दिस इज अ इंटरसेप्ट लॉग के, स्लोप बराबर बच्चों 1/n होता है, आपको अच्छी तरह मालूम है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2। स्लोप की वैल्यू बेटा 1/n बराबर 2 दे रखी है, इसको मान लो अगर हम थीटा मान लें तो ये y हो गया, ये x हो गया, तो tan थीटा बराबर y अपॉन x बराबर 1 अपॉन n बराबर स्लोप, ये सभी बच्चों को याद होगा। बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया क्वेश्चन, जरा समझते हैं क्यों क्या गड़बड़ है। तो हम यहां पर नोट करते हैं कि स्लोप की वैल्यू बच्चों, स्लोप की वैल्यू मतलब 1/n बराबर बच्चों 2, स्लोप की वैल्यू 1/n बराबर 2 बच्चों। लॉग के 0.4778, तो बताओ ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू है लॉग 3 की, तो k की वैल्यू आ गई आपकी k बराबर आ गया 3 भाई, आप इसका एंटी लॉग लोगे तो ये किसकी वैल्यू है लॉग 3 की, अरे भैया आप इसको लिख सकते हो ना k बराबर एंटी लॉग ऑफ 0.4778, एंटी लॉग ऑफ 0.4778, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एंटी लॉग, इसको लिख सकते हैं ना लॉग 3, लॉग एंटी लॉग कैंसिल तो आंसर आ गया 3, तो k की वैल्यू आ गई 3। अब k की वैल्यू मिल गई, 1/n की वैल्यू मिल गई है, नोट कर लिया बच्चों k की वैल्यू 3 मिल गई है, 1/n की वैल्यू मिल गई है 2। अब बहुत आसान है, x अपॉन है, रफ कर दो, रफ कर दो, अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, x अपॉन n किसके बराबर होता है, k p की पावर 1/n, x अपॉन m निकालना है, k की वैल्यू मिल गई 3, p की वैल्यू मिल गई 4, 1/n की वैल्यू मिल गई 2, आंसर आ गया 48। बताओ बच्चों सरफेस केमिस्ट्री से भी न्यूमेरिकल पूछ लिया, बच्चों सरफेस केमिस्ट्री से भी न्यूमेरिकल पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है, सही पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हल्का सा कर सकते थे, बोलो बच्चों, रफ कर दो जल्दी। आज बच्चों हम लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन टॉपिक पढ़ना है, और वो टॉपिक है हमारा चार्ज ऑन द कोलॉइड, कोलॉइड पे चार्ज कैसे आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा चार्ज की वजह से तो कोलॉइडल सोल स्टेबल होते हैं, चार्ज की वजह से तो कोलॉइडल सोल स्टेबल होते हैं। उससे पहले बच्चों बहुत सारे बच्चे भूल गए हैं, एक क्वेश्चन आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बच्चों क्या तरीका होता है, I1 pi 1 बराबर I2 pi 2, ठीक है, और अगर मान लो I1 और I2 की वैल्यू अगर 1 है, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप लिख सकते हैं pi 1 बराबर pi 2। ऑस्मोटिक प्रेशर कब बराबर होंगे, जब कंसेंट्रेशन बराबर होगा, C1RT बराबर C2RT, RT कैंसिल, तो C1 अपॉन C2, अब C1 अपॉन C2 को ओपन कर सकते हो, C1 अपॉन C2 को ओपन कर सकते हो, बोलो NB1 अपॉन V1, NB2 अपॉन V2, ओपन कर, क्वेश्चन कर सकते हो, एक ऐसा क्वेश्चन आया है, मैंने कराया, या आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कहानी, बोलो। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, जल्दी से बोलो, ध्यान रखो इस चीज को, पहले अगर मैं बोलूं कि ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विथ NaCl, बताओ क्या इक्वेशन होगी, ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विथ NaCl, ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू 1, NaCl के लिए I की वैल्यू 2, हम क्या लिख सकते हैं I1 pi 1 बराबर I2 pi 2, I1 की वैल्यू 1 pi 1, I2 की वैल्यू 2 into pi 2, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, सॉल्यूशन चैप्टर की चीजें बता दी, सॉल्यूशन चैप्टर की चीजें बता दी, बोलो बच्चों, ठीक है, रफ कर दो। अब बच्चों कहानी आ रही है, चार्ज क्या हुआ कोलॉइड पर, बच्चों क्या पूछ रहा है, कोलॉइड पे चार्ज पूछ रहा है,
बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज ऑन द कॉलर। टॉपिक हेडिंग डाल लें बच्चों, बच्चों हेडिंग डाल लें, क्या टॉपिक का हेडिंग है? चार्ज ऑन कॉलोइड। पहले तो हम इसको पढ़ेंगे, चार्ज ऑन कॉलोइड। एक चीज तो ये पढ़ेंगे, चार्ज ऑन कॉलोइड आता क्यों है? प्रेफरेंशियल, किसको प्रेफरेंस दिया? प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। किस आयन को एड्सॉर्ब करता है? जो आयन कॉमन होता है। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन बच्चों इसके कारण आता है। इसमें अच्छा हमें और क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है हमको हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। बच्चों ये टॉपिक पढ़ने होते हैं, पूरा मन से पढ़ना, कोई भी चीज एक्स्ट्रा में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पूरा पढ़ा रहा हूं। हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। बोलो बच्चों, एक और आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल। ये चीजें हमें आज कवर करनी है। तो बच्चों जो चार्ज आता है कोलॉइड पर, उसका एक रीजन तो ये भी होता है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। जो कोलॉइड पे चार्ज आता है उसका वन ऑफ द रीजन प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन है कॉमन आयन का। सुन रहे हो मेरी बात? बोलो, जो चार्ज आता है कोलॉइड पे, एक तो ब्रैडिक्स आर्क मेथड से चार्ज आता है, एक चार्ज और आता है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन से। अब हमें समझना है कि ये हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर क्या है, जीटा पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या है। तो बच्चों हम लोग चालू करते हैं। तो हम किस आयन को ये एड्सॉर्ब करता है? जो आयन कॉमन होगा, जो अपने जैसा होगा वो अपने जैसे को एड्सॉर्ब करता है। अब एक एक चीजें करके हम लोग इसको समझते हैं। बच्चों मैं जो एग्जाम्पल बोल रहा हूं उसको समझना है बहुत ध्यान से। मान लो अगर मैं AgNO3 को, मैं कोलोइडल सॉल्ट बनाना चाहता हूं AgI का, अगर मैं AgNO3 को KI में डाल दूं, तो KI क्या है? एक्सिस में है। KI क्या है? यहां पे डिस्पर्जन मीडियम है। तो बताओ किसका कोलोइडल सॉल्ट बनाना चाहते हैं? AgI का कोलोइडल सॉल्ट बनाना चाहते हैं, AgI का कोलोइडल सॉल्ट बनाना चाहते हैं। AgI बनेगा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आयंस एक्सचेंज कर दो, Ag के साथ I जुड़ जाएगा, K के साथ NO3 जुड़ जाएगा। अब बताओ बच्चों सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन्स हो गए? ये भी आयनिक के नेचर में, ये भी आयनिक के नेचर में, तो ये किस में टूट जाएगा? K प्लस आई माइनस में। और ये किस में टूट जाएगा? K प्लस NO3 माइनस में, ये आयनिक। तो बताओ सॉल्यूशन में कितने आयन्स है बच्चों? सॉल्यूशन में कितने आयन्स है? 3 आयन्स है। कौन कौन से? K प्लस आई माइनस NO3 माइनस। अब जरा मेरी बात समझो, K प्लस आई माइनस NO3 माइनस, तो हम इसका कोलोइडल सॉल्ट बनाते थे। तो AgI का जो प्रेसिपिटेट है या AgI का जो कोलोइडल पार्टिकल है, बताओ किसको एब्जॉर्ब करेगा? बताओ किसको एब्जॉर्ब करेगा मीडियम में से? एक्सिस में कौन? ये। तो अपने जैसे आयन को, कॉमन आयन को एब्जॉर्ब करेगा। तो AgI के साथ कौन सा आयन कॉमन है इन तीनों आयन में से? इन तीनों में से कौन सा आयन AgI के साथ कॉमन है? आई माइनस। तो ये आई माइनस को अपने ऊपर क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। बच्चों एक चीज बताओ, कौन एक्सेस में है? मेरी बात समझो, ये वाली बात तो मैंने बता दिया कि ए प्लस आई माइनस, जरा मेरी बात समझो। अब ये बताओ मुझे कि ये जो जो ये हमारा कोलोइडल सॉल्ट बनना है AgI का, ये AgI किसको एब्जॉर्ब करेगा डिस्पर्जन मीडियम में? जो आयन इसके साथ कॉमन होगा डिस्पर्जन मीडियम में, कौन है? K प्लस आई माइनस। तो ये AgI किसको एब्जॉर्ब करेगा अपने सरफेस में? जो इसके साथ कॉमन है, कॉमन कौन है? आई माइनस। आई माइनस को एब्जॉर्ब कर लिया। जो एब्जॉर्ब होंगे आयन, वो एक लेयर बनाएंगे, जिस लेयर को हम बोलेंगे फिक्स्ड लेयर। बच्चों क्यों बोलेंगे फिक्स्ड लेयर? ये मूव नहीं कर सकते। बच्चों हम इसे फिक्स्ड लेयर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मूव? क्योंकि ये एब्जॉर्ब हुए। ये फिक्स्ड लेयर क्यों है? क्योंकि ये एड्सॉर्ब है, एड्सॉर्ब हुए, इस लेयर को बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। तो AgI का कोलोइडल सॉल्ट किस तरीके का चार्ज हो गया? AgI का कोलोइडल सॉल्ट किस तरीके का चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज। बच्चों जरा समझो, AgI का कोलोइडल सॉल्ट नेगेटिव चार्ज हो गया। AgI का कोलोइडल सॉल्ट नेगेटिव चार्ज हो गया। बच्चों AgNO3 KI AgI का कोलोइडल सॉल्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया। कैसे नेगेटिव चार्ज हो गया? AgI ने डिस्पर्जन मीडियम में से
किस आयन को एड्सॉर्ब कर लिया जो इसके साथ कॉमन है, कौन सा आयन कॉमन है, आई माइनस को एड्सॉर्ब कर लिया, तो ये कौन सी लेयर बनाएगा, फिक्स लेयर बनाएगा। अब बच्चों मेरी बात समझना है, तो इसने बना दिया फिक्स लेयर। अब ये आई माइनस मीडियम में से किसको अट्रैक्ट करेगा, अपोजिटली चार्ज आयन, कौन सा है अपोजिटली चार्ज आयन, के प्लस, इसको अट्रैक्ट करेगा, के प्लस को अट्रैक्ट करेगा बच्चों, के प्लस को अट्रैक्ट करेगा। बट के प्लस जो है बच्चों ये एड्सॉर्ब नहीं हुआ है। अच्छा ये बताओ AgI ने किस आयन को एड्सॉर्ब किया डिस्पर्जन मीडियम में से, आई माइनस को, आप बोलोगे क्यों किया, क्योंकि आयन इसके साथ कॉमन है, कॉमन आयन को एड्सॉर्ब करेगा, चिपका लिया अपने सरफेस पे। अब ये आई माइनस किसको अट्रैक्ट करेंगे मीडियम में से, मीडियम में कौन प्रेजेंट है, के प्लस, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम तो न्यूट्रल रहेगा ना, पूरा सॉल्यूशन तो न्यूट्रल रहेगा, तो ये आई माइनस किसको अट्रैक्ट करेंगे, के प्लस। बट ये के प्लस अट्रैक्ट करेंगे, बट ये आयन्स एड्सॉर्ब तो हैं, जब ये आयन्स एड्सॉर्ब नहीं है तो ये मूवमेंट कर सकते हैं। अरे भैया ये वाले आयन्स तो एड्सॉर्ब हो गए, चिपक गए, तो ये मोबिलाइज नहीं है, मोबिलाइज नहीं है, तो इस लेयर को फिक्स लेयर कह दिया। बट के प्लस तो अट्रैक्ट हुए ना, एड्सॉर्ब तो हुए नहीं, अरे के प्लस तो अट्रैक्ट हुए, एड्सॉर्ब तो हुए नहीं, जब के प्लस अट्रैक्ट हुए एड्सॉर्ब नहीं हुए, तो ये वाली जो लेयर बनाएंगे के प्लस, ये जो के प्लस लेयर बनाएंगे, इस लेयर को बोला जाएगा डिफ्यूज लेयर, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, ये मोबिलाइज्ड है, डिफ्यूज लेयर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मोबिलाइज्ड लेयर। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, मोबिलाइज्ड लेयर। अरे भैया AgI ने जो आयन कॉमन है डिस्पर्जन मीडियम में उसके साथ उसको एब्जॉर्ब कर लिया, AgI के साथ कौन सा आयन कॉमन है, I माइनस को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये I माइनस डिस्पर्जन मीडियम में किसको अट्रैक्ट करेंगे, K प्लस को, तो ये वाली जो लेयर है बच्चों ये अट्रैक्ट हुए है, ये फिक्स नहीं हुए, एब्जॉर्ब नहीं हुए, तो ये तो मोबिलाइज्ड है, ये तो डिफ्यूज्ड है। बट जो I माइनस वाली लेयर है ये फिक्स लेयर है, तो इन दोनों लेयर को मिलाकर बोला जाता है बच्चों कितनी लेयर बन गई, बच्चों कितनी लेयर बन गई, दो लेयर बन गई। इसी को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, बच्चों इसी को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, मेरी बात समझो, इसी को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। अच्छा इसको लिखने का तरीका भी एनसीईआरटी ने दिया, ये AgI है, इसने किसको एड्सॉर्ब कर लिया अपने सर्फेस पे, आई माइनस, और इसने किसको अट्रैक्ट कर लिया, के प्लस, ऐसे भी लिख सकते। ये वाली लेयर कौन सी लेयर है बच्चों, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, फिक्स लेयर है, ये वाली लेयर कौन सी, डिफ्यूज लेयर है। अब बच्चों खुद सोचो, एक लेयर पॉजिटिव चार्ज है, एक लेयर नेगेटिव चार्ज, एक लेयर पॉजिटिव चार्ज है, एक लेयर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन है, अरे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो चार्ज सेपरेशन है, और चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, पोटेंशियल को यही क्या बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, उसी पोटेंशियल को बोलेंगे जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, मेरी बात समझो, उसी पोटेंशियल को बोलेंगे जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। बच्चों एक लेयर नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन के कारण पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल। बच्चों इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल बोला जाएगा, बोलो बच्चों। देखो आप समझो, AgNO3 को अगर मैं KI में मिला लूं, KI एक्सिस में, मतलब ये डिस्पर्जन मीडियम में, क्या बनेगा, AgI का कोलोइडल सोल बनेगा। ये जो AgI है ये डिस्पर्जन मीडियम में से कॉमन आयन को एड्सॉर्ब कर लेगा, कॉमन आयन कौन है डिस्पर्जन मीडियम के साथ, I माइनस, ये एड्सॉर्ब हो गया, ये जो लेयर बनाएगा उस लेयर को फिक्स लेयर कहेंगे, ये जो लेयर बनाएगा इस लेयर को फिक्स लेयर कहेंगे। अभी फिक्स लेयर नेगेटिवली चार्ज है, मतलब आपका कोलोइडल सोल नेगेटिवली चार्ज है, तो ये डिस्पर्जन मीडियम में से अपोजिटली चार्ज आयन को अट्रैक्ट करेगा, कौन है, के प्लस, बट के प्लस अट्रैक्ट हो रहे हैं एड्सॉर्ब नहीं हो रहे, इसलिए ये वाली लेयर मूव कर सकती है, मोबिलाइज्ड, ये वाली लेयर फिक्स्ड लेयर, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको बोला जाएगा जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो दोनों लेयर है इन्हीं को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इसको ऐसे लिखा जाता है NCERT, इसको ऐसे लिखा जाता है NCERT। तो हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चार्ज ऑन द कोलाइड, बच्चों हम पढ़ रहे हैं चार्ज ऑन द कोलाइड, और चार्ज जो आता है कोलाइड पे वो आता है प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। बच्चों इससे ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की रियल में, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
जरा मेरी कॉफी खत्म हो जाए। बच्चों दूसरा एग्जाम्पल, अब यहीं पर आप एक और चीज समझने की कोशिश करें। अगर मैं आप देखना क्वेश्चन में कितना अंतर आ जाता है बच्चों, कितना अंतर आ जाता है क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में अंतर कैसे आ जाता है ऐसे समझो। अगर मैं के आई को किसके अंदर मिला दूं, ए जी एन ओ थ्री में, तो इस बार एक्सेस में कौन है, ए जी एन ओ थ्री एक्सेस में, मतलब ये डिस्पर्जन मीडियम क्या बनेगा, ए जी आई बनेगा। अभी भी हम कोलोइडल सॉल्ट ए जी आई का बनाना चाहते हैं, बट अब ये ए जी आई, ये जो कोलोइडल सॉल्ट है ए जी आई का, ये बताओ डिस्पर्जन मीडियम में से किसको एड्सॉर्ब करेगा। अरे भैया ये तो खत्म हो जाएगा, इसमें से एड्सॉर्ब करेगा ना, ए जी आई ए जी एन ओ थ्री में से किसको एड्सॉर्ब करेगा मेरे बच्चों, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, किसको एड्सॉर्ब करेगा एजीआई में से, मैसेज में सुनना चाहता हूं, एजीआई में से एजीआई एजीएनओ3 में से किसको एड्सॉर्ब करेगा, कॉमन सी बात है, एजी प्लस को, एजी प्लस को एड्सॉर्ब करेगा, एजी प्लस को एड्सॉर्ब करेगा। अब ये एजी प्लस को एड्सॉर्ब करेगा तो ये वाली जो लेयर बनेगी इस लेयर को क्या नाम देगा, फिक्स्ड लेयर। बच्चों बताओ कोलोइडल सॉल्ट किस तरीके का चार्ज हो गया, क्वेश्चन आ जाता है KI को अगर AgNO3 में मिलाएं तो बताओ कोलोइडल सॉल्ट किस तरीके का चार्ज हो गया, तो हमारा जो कोलोइडल सॉल्ट है वो कैसा चार्ज हो गया जरा मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज हो गया, हमारा कोलोइडल सॉल्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बच्चों बताओ जल्दी से, फिक्स लेयर कहलाएगी। अब ये बताओ ये मीडियम में से किसको अट्रैक्ट करेंगे, ये Ag+, ये मीडियम में से अट्रैक्ट करेंगे NO3- को, ये मीडियम में से अट्रैक्ट करेंगे NO3- को, ये मीडियम में से अट्रैक्ट करेंगे NO3- को। जब बच्चों ये मीडियम में से NO3- को अट्रैक्ट करेंगे तो जो लेयर बनेगी बच्चों उसको क्या नाम होगा जरा बताओ, उस लेयर को क्या कहोगे, उस लेयर को कहोगे डिफ्यूज्ड लेयर। अभी भी नहीं समझ में आया, उस लेयर को कहोगे डिफ्यूज्ड लेयर। एक और नाम मोबिलाइज्ड लेयर, और इन दोनों लेयर, इन दोनों लेयर के कंसेप्ट को बोला जाता है क्या, इन्हीं दोनों लेयर को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, और इन दोनों लेयर के बीच में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेयर, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों लेयर के बीच में, एक फिक्स लेयर और एक डिफ्यूज लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को बोला जाता है जीटा पोटेंशियल। बच्चों बोर्ड में बहुत बार पूछा गया जीटा पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है, जीटा पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या, जल्दी बता दो मुझे, जीटा पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल का दूसरा नाम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो समझ में आया कि अगर मैं AgNO3 को KI में मिलाता हूं तो क्या होता है, ये फर्स्ट केस है, AgNO3 को अगर मैं KI में मिलाता हूं तो क्या होता है, और ये सेकंड केस है कि KI को अगर मैं AgNO3 में मिलाता हूं तो क्या होता है, आया समझ में, तो इसको कहा जाता है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। दो एग्जांपल मैं और बताना चाहता हूं बच्चों, इसको लिखेंगे कैसे, अच्छा सीबीएसई में इसको कैसे, एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है, AGI किसको एड्सॉर्ब करता है, Ag+ को, अट्रैक्ट किसको करता है, NO3- को, ऐसे लिखा जाता है NCERT। ये Ag+ क्या कहलाता है, फिक्स्ड लेयर, ये एड्सॉर्ब हुआ, ये क्या कहलाती है, डिफ्यूज्ड लेयर। नोट करो बच्चों एक और चीज, मेरी बात बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में ना, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, बहुत आसान सा आंसर है, बता दो आंसर इतना सा है,
दिस इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, दिस इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। कोई बच्चा पूछ रहा था सर मुझे एक बार फिर से समझा दो, टिंडल में कुछ नहीं करना होता, एक इस तरीके का एक सॉल्यूशन लेना होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन। बच्चों इस तरीके का आपने एक कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया, ये कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ये कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहां आपने एक सोर्स लगा दिया बच्चों, यहां आपने एक लेंस लगा दिया, लेंस क्या करेगा, सोर्स से निकली हुई लाइट को डेविएट कराएगा कोलोइडल सॉल्यूशन, सोर्स से निकली हुई लाइट को डेविएट कराएगा कोलोइडल सॉल्यूशन। ये मैंने डेविएट कर दी कोलोइडल सॉल्यूशन, बोलो ये लेंस, ये सोर्स, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, सब बता दो, सब बता दो स्कूल में, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको, ये लेंस है, ये सोर्स है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, और ये हमारे कोलोइडल पार्टिकल है। अब बच्चों ये क्या करेगा, ये कोलोइडल पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा, गुड, ये कोलोइडल पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर करेगा। तो अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखूं, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने से ये कोलोइडल पार्टिकल मुझे ब्राइट स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा, ब्राइट स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। क्यों चमकता हुआ दिखाई देगा, ये स्कैटर कर रहा है लाइट, बच्चों ये स्कैटर कर रहा है लाइट को, और इसके कारण क्या होगा, जो पाथ होगा लाइट का वो आपका विजिबल हो जाएगा, इसके कारण पाथ ऑफ द लाइट, इसके कारण पाथ ऑफ द लाइट विजिबल हो जाएगा। एनसीईआरटी कहती है इल्यूमिनेटेड हो जाएगा, पाथ ऑफ द लाइट इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। इस कोन को, जो ये कोन बनता है, इस कोन को हम लोग टिंडल कोन कहते हैं, इस कोन को हम टिंडल कोन कहते हैं, ये कोन बनता है ना, ये वाला जो कोन बनता है ये टिंडल कोन कहलाता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स ड्यू टू विच पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, इसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, इसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। बच्चों बट ध्यान सुनना है, ये क्वेश्चन पूछा गया जी में 2017, बार बार बताता हूं, जी में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ क्या क्वेश्चन पूछा गया जी में 2017 में, जी में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कंडीशन फॉर द टिंडल इफेक्ट, बच्चों ने गलत किया, कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट, कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट बहुत आसान है, जो डायमीटर है कोलोइडल पार्टिकल की, बच्चों कोलोइडल पार्टिकल का जो डायमीटर है वो नियरली इक्वल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के, बच्चों अगर ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर नहीं हुआ तो लाइट इसके ऊपर से गुजर जाएगी, ये स्कैटर ही नहीं कर पाएंगे, स्कैटर नहीं कर पाएगा तो पार्टिकल विजिबल नहीं होगा। डायमीटर ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, बिल्कुल समझ लो मेरी बात को, डायमीटर ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। बच्चों यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता। बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक और कंडीशन क्या है, देयर इज लार्ज डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, there is a large difference in the magnitude of the refractive index between dispersed phase and dispersion medium। dispersed phase ke particle aur dispersion medium ke particle ke beech mein there is a large difference in the magnitude, refractive index ka jo magnitude hai usme bahut difference hona chahiye kiske beech mein, tabhi light zyada scatter kar payegi, warna ek dusre ko cancel out kar denge agar dono ke refractive index nearly equal aa gaye to। तो दिस इज ऑल अबाउट द टिंडल इफेक्ट, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चार्ज पे चल रहे थे, बहुत अच्छे से क्लास को लेना है, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है।
बच्चों दूसरी एक चीज और बताना चाहता हूं, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं कोरोना को अभी तक लाइट ले रहा था, बट मैं आपको बता दूं अब मेरे जो नियर में, सही है, मेरे ताऊ जी कोरोना से एक्सपायर हुए, बट अब मुझे समझ में आया कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा वायरस है इसका। बच्चों प्लीज अपना केयर रखें, अपने फैमिली की केयर रखें, थोड़ा वो अपने इस ओवर कॉन्फिडेंस को हटाएं, और डॉक्टरों की जो बात है प्रॉपर सैनिटाइजेशन है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, प्लीज इसको माने बच्चों। हम लोग भी बड़े टीचर्स, हम लोग भी ये सोच रहे थे क्या है कोरोना, कुछ नहीं, बट बच्चों अब मैं देख रहा हूं इसका विकराल रूप, अगर ये लंग्स तक पहुंच गया तो बच्चों ये लंग्स को डैमेज कर देता है। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए बच्चों, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और कोरोना को प्लीज लाइट मत लीजिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन कीजिए, मास्क लगाइए, और बच्चों बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखिए बच्चों, अवॉइड करिए भीड़ भाड़ को बच्चों। मैं अभी भी बता रहा हूं, हम लोग अपनी फैमिली का मेंबर खो चुके हैं, आप लोग मत खोइए, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज बच्चों इसका ख्याल रखिए, ठीक है। लाइफ बहुत कीमती है, लाइफ बच्चों बहुत कीमती है, सुन रहे हैं, आपकी, पेरेंट्स की, हर किसी की, इसको ऐसे मत गवाइए, सही है बच्चों, इस बीमारी को हल्के में मत लीजिए, आप लोगों से मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है, सच में प्लीज अवॉइड करिए भीड़ भाड़ इलाकों को, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, सैनिटाइजेशन के लिए बच्चों मास्क लगाइए, सही है, प्रॉपर ध्यान रखिए हेल्थ का। अगर आपको गर्म चीजें पीजिए बच्चों, ठंडी चीजों को अवॉइड करिए, खट्टी चीजों को अवॉइड करिए बच्चों। मैं नहीं चाहता किसी की फैमिली का भी मेंबर जाए, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, प्रॉपर अपने बच्चों अपना ध्यान रखिए, लाइफ है, जान है तो जहान है, हर चीज रिकवर की जा सकती है, हर चीज पाई जा सकती है, हर चीज अचीव की जा सकती है दोबारा से, बट किसी की लाइफ अगर चली गई ना तो वो दोबारा से नहीं आ सकती, समझ रहे हैं आप, कीमती बच्चों, समझ रहे हैं, हम लोग तो इस दुख से गुजर रहे हैं बट आप लोग इससे ना गुजरे, ठीक है बच्चों। प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस में, उससे पहले एक और क्वेश्चन आता है बोर्ड में, एक और क्वेश्चन आता है बच्चों बोर्ड में, और वो क्वेश्चन ये है बच्चों, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू, व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन, व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन। बहुत ही इजी बच्चों, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, आपको अच्छी तरह से मालूम है, सीबीएसई में आ जाए एक आंसर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्स प्लेस। अब बताओ इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, एक यूट्यूब ट्यूब लेते हैं यू शेप, उसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, या एक जगह प्लस इधर मान लो या माइनस मान लो। अब बच्चों इसमें आपने कोलोइडल सॉल्ट भर दिया है, कोलोइडल सॉल्ट में आपको डिस्पर्जन मीडियम बना दूं ताकि आपके मन में बिल्कुल भी डाउट ना रह जाए। अब बच्चों यहां पर सुनो, यहां पर कोलोइडल पार्टिकल है बच्चों, मैंने आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल पार्टिकल माना है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल पार्टिकल कैसे चार्ज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड के कोलोइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होते हैं बच्चों। ये इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे और यहां पर जाकर ये इकट्ठे हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यहां पे जाके ये प्रेसिपिटेट हो गए, कोगुलेट हो गए, यहां पे जाके ये प्रेसिपिटेट हो गए, कोगुलेट हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन को, द फ्लो ऑफ कोलोइडल पार्टिकल टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लो ऑफ कोलोइडल पार्टिकल towards the
अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड टूवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लो ऑफ कोलाइडर पार्टिकल टूवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब बच्चों इसी में एक वर्ड और पूछ लेता है वो कभी कभार, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? सब पढ़ना है हम लोगों को सब। मान लो ये एक हमारा कोलाइडर सॉल्यूशन है और ये मेरी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या सेलोफेन मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर मैंने कोलाइडर सॉल्यूशन भर दिया विथ डिस्पर्जन मीडियम, सही है? अब बच्चों ये मेम्ब्रेन तो अलाउ नहीं करेगी किसको? बच्चों ये मेम्ब्रेन तो अलाउ नहीं करेगी किसको? ये मेम्ब्रेन तो अलाउ नहीं करेगी, ये मेम्ब्रेन तो किसको अलाउ नहीं करेगी? कोलाइडर पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगी। तो इस केस में डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं। बच्चों ये मेम्ब्रेन तो अलाउ नहीं करेगी कोलाइडर पार्टिकल को, कोलाइडर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो ये किसको फ्लो करने की परमिशन दे देती है? डिस्पर्जन मीडियम को। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अभी तो बोर्ड में नहीं है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। दोबारा से पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस दोबारा से पढ़ लिया, आसान है। ठीक है, इससे मालूम चलता है कि कोलाइडर पार्टिकल में कौन सा चार्ज है। ये वन ऑफ द मेथड ऑफ कोगुलेशन भी है बच्चों। कोगुलेशन का एक तरीका भी है, कोगुलेशन का तरीका भी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। सब पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस कोगुलेशन का तरीका भी है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग फिर से आ जाते हैं चार्ज। आपको कुछ रिवीजन, कुछ अच्छा सा टॉपिक रिवाइज, थोड़ा सा करा करा कर दोबारा से पढ़ा रहा हूं, सब कुछ बताऊंगा बच्चों। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों बच्चों। एक एग्जांपल मेरा फेवरेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखने वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल मेरा फेवरेट है, FeCl3 को अगर मैं वाटर में डाल दूं और इसको गर्म कर दूं, हॉट कर दूं, तो बताओ क्या बनेगा और ये कैसा चार्ज होगा कोलाइडर सॉल्यूशन? बच्चों मैं बताना चाहता हूं, वाटर डज नॉट आयोनाइज। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर जाएंगे, बहुत सारे बच्चे कह देते हैं सर ये नेगेटिवली चार्ज है, क्या बनेगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe2O3XH2O लिख लो, या फिर आप FeOH का होल थ्राइस लिख लो, बात एक ही है। बट बच्चों ये किसको एडसॉर्ब करेगा, बताओ किसको एडसॉर्ब? बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं सर FeOH का होल थ्राइस वाटर के साथ OH- कॉमन। अरे बच्चों वाटर आयोनाइज ही नहीं होता, वाटर आयोनाइज ही नहीं होता। तो क्या होता है, ये रिएक्शन खत्म होने से पहले ही जैसे ये बनेगा वैसे ये किसको, इसमें से Fe+3 को एडसॉर्ब करना चालू कर देता है। बच्चों गड़बड़ कर जाओगे फिर मेरी बात सुनो, FeCl3 को वाटर में करोगे Fe, ये आप कहोगे, आप कहोगे सर ये तो एक्सेस में, बट मैं कह रहा हूं ना रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही Fe+3 को क्या करने लग जाता है, एडसॉर्ब करने लग जाता है बच्चों। Fe+3 को एडसॉर्ब कर लेता है क्योंकि वाटर आयोनाइज नहीं होता। तो ये किस तरीके का कोलाइडर सॉल्यूशन है जरा बताओ? पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडर सॉल्यूशन है FeOH का होल थ्राइस। बच्चों मैं फिर बताना चाहता हूं, आप सोचोगे ये एक्सेस में तो वाटर में से ये OH है इसको क्या कर लेगा, एडसॉर्ब कर लेगा? नहीं करेगा क्योंकि ये आयोनाइज ही नहीं होता। तो फिर ये क्या करता है, ये रिएक्शन करने के दौरान ही, जब ये कंप्लीट नहीं होती रिएक्शन, इसी रिएक्शन के दौरान ही Fe+3 को एडसॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे। इसी रिएक्शन के दौरान ही Fe+3 को क्या कर लेता है, एडसॉर्ब कर लेता है। रिएक्शन के दौरान ही, खत्म नहीं होती रिएक्शन, कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले ही Fe+3 को एडसॉर्ब कर लेता है। सुन रहे हो, पॉजिटिवली चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ज्यादातर बच्चे गलत कर जाते हैं, ज्यादातर बच्चे गलत कर जाते हैं। मैं फिर बताना चाहता हूं, वाटर बेटा बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो H+ और OH आयंस में आयोनाइज ही नहीं होता। तो फिर ये किससे एडसॉर्ब करेगा, इससे करेगा ना, तो रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले। बच्चों नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट। एक और केस ले रहा हूं बच्चों, मेरे एक और केस ले रहा हूं, FeCl3 को अगर मैं NaOH में मिला दूं बच्चों, FeCl3 को अगर मैं NaOH में मिला दूं बच्चों तो क्या बनेगा जरा बताओ? फिर से वही FeOH का होल थ्राइस बनेगा और NaOH तो डिसोसिएट होता है OH- और Na+ में, तो ये बताओ किसको अपने सरफेस पे एडसॉर्ब कर लेगा? OH- को। तो ये कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड हो गया।
ये दो एग्जांपल और कर दो बच्चों, ये दो एग्जांपल और बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज ऑन द कोलाइड, चार्ज ऑन द कोलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट किया बच्चों, चार्ज ऑन द कोलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ कर दो। देखो FeCl3NaOH के साथ FeOH का उत्तरेज बनेगा, ये डिस्पर्जन मीडियम, ये डिस्पर्जन मीडियम, इसमें से एक इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो आयन कॉमन है OH- को एब्जॉर्ब कर लेगा नेगेटिवली चार्ज, बट ये तो आयनाइज ही नहीं होता, रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही इस FeCl3 में से Fe+3 को एब्जॉर्ब करना चालू कर देगा, तो ये कौन से तरीके का कोलाइड हो गया, पॉजिटिव चार्ज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको कोलाइडल पार्टिकल ये बता दूं कि कौन सा चार्ज होता है, कौन पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमारा टॉपिक ओरिजिन ऑफ द चार्ज ऑन द कोलाइड हो गया बच्चों, ओरिजिन ऑफ द चार्ज ऑन द कोलाइड हो गया। अब बच्चों मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, कोलाइड दो तरीके के चार्ज होते हैं, कोलाइड दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। अच्छा पॉजिटिव चार्ज कौन है, मैं बता दूं, मेटल ऑक्साइड SnO2 TiO2 ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है। एक और बच्चों एग्जांपल है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड भी पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, जैसे जरा बताओ Fe2O3.XH2O लिख दो, या फिर आप इसको SnO लिखकर FeOH का होल थ्राइस लिख दो, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। एक और एग्जांपल है बच्चों हीमोग्लोबिन, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तीन एग्जांपल। जानवरों की जो खाल है ना बच्चों वो भी पॉजिटिव चार्ज होती है, एनिमल हाइड कहते हैं, एनिमल हाइड इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड। अच्छा नेगेटिव चार्ज में कौन आते हैं, मेटल सोल, ये भी बच्चों IIT में आ चुका है, जैसे गोल्ड का सोल, ठीक है, और मेटल सल्फाइड सोल, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड में कौन आता, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है। एक और आता है बच्चों ब्लड, बच्चों एक और आता है क्ले, ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है, क्ले कह लो, सैंड कह लो, क्ले कह लो, सैंड कह लो, ठीक है। तो ये आपने चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ ली बच्चों, चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ ली बच्चों, चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ ली। बच्चों बस एक चीज और समझो, अभी क्वेश्चन आया था फिजीज ऑप्शन टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, फिजीज ऑप्शन केमीज ऑप्शन, इनका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ है x अपॉन m टेम्परेचर के साथ घट जाता है, इसका ग्राफ है x अपॉन m टेम्परेचर के साथ पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, क्योंकि शुरुआत वाला टेम्परेचर नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ NH3 और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, NH3 और नाइट्रोजन में से, ये भी जी में आया अभी 2020, NH3 और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, जल्दी आंसर दो, NH3 ज्यादा एब्जॉर्ब होगी क्योंकि ये ज्यादा पोलर है, जो ज्यादा पोलर होगा वो ज्यादा लिक्विफेबल होगा, जो ज्यादा लिक्विफेबल होगा उसका TC ज्यादा होगा, वो ज्यादा आसानी से सरफेस के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस या वैंडरवाल फोर्सेस जनरेट कर सकता है, जो भाई ज्यादा पोलर है उसका लिक्विफिकेशन आसान है, जो इसका लिक्विफिकेशन आसान है वो ज्यादा आसानी से वैंडरवाल फोर्सेस जनरेट कर सकता है। ये तो परमानेंट गैसेस है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तो परमानेंट गैसेस है, इनका TC तो बहुत कम होता है, ये तो बहुत कम लिक्विफेबल है, सबसे ज्यादा कौन लिक्विफेबल है, SO2, सबसे ज्यादा SO2 लिक्विफेबल है, इसका TC बहुत ज्यादा है, इसके एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, अमोनिया बहुत ज्यादा पोलर है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, नाइट्रोजन नॉन पोलर है, तो ऐसी गैसेस एब्जॉर्ब होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये गैसेस लिक्विफाइबल नहीं होती, ऐसी गैसेस सरफेस पे आसानी से फोर्सेस जनरेट नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन भी आया था, नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो, समझे बच्चों, फिजीज ऑप्शन केमीज ऑप्शन, जल्दी से लिख लो। आपको मालूम है एडसॉर्प्शन के दौरान ये भी आया था, एडसॉर्प्शन के दौरान डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है,
डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती है। शुरुआत में डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस से बड़ा होता है। शुरुआत में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो डेल्टा एच बड़ा होता है। धीरे 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 डेल्टा एच की वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि सरफेस कवर होता जाएगा। सरफेस कवर होता जाएगा तो अब उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। एक समय के बाद इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी, डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस। उसी कंडीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। बच्चों आईआईटी ने क्या पूछा, आईआईटी ने पूछा कि डेल्टा एच की वैल्यू एडसॉर्प्शन के साथ साथ घटती है कि बढ़ती है। डेल्टा एच की वैल्यू कम होती जाती है। शुरुआत में सरफेस खाली था, सभी सरफेस के साथ बॉन्ड बना रहे थे, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही थी। जब सरफेस कवर हो जाएगा, अब सरफेस के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा तो बॉन्ड वीक रहेगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगी। तो डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बराबर आ जाते हैं तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की आ जाती है। आज के टर्म के लिए इतना बहुत है। ओके बच्चों, थैंक यू।